आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए स्वच्छता, सावधानी, दो गज दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग भी जरूरी है। जब कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन हुआ था तो आप लोग सावधान भी थे और अनुशासन का पालन भी कर रहे थे, लेकिन अनलॉक एक से जो असावधानी बढ़ी है वहाँ महामारी ने भयानक रूप ले लिया है। बेगूसराय की जनता को जागरूक करने के लिए रोको टोको अभियान किया जा रहा है। दिन पर दिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब लगभग प्रत्येक दिन में औसतन 20,000 से भी ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। पूरे देश में 6,50,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जिस तरह जनता और असावधान होती जा रही है उसे सावधान करना आवश्यक है। हालांकि कोरोना वायरस का रिकवरी दर पूरे देश में 60% हो गया है, मृत्यु दर 4% है, लेकिन दिन पर दिन संक्रमण होने वालों की संख्या हमें डरा रही है। अब तो बेगूसराय के शहर में कई जगह आक्रांत हो चुके हैं। हालांकि 476 रोगी में से 373 ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन जरा सी असावधानी बहुत बड़ी कठिनाई पैदा कर सकती है। सावधानी ही बचाव है। लगातार जो कोरोना जो बिहार में बढ़ रही है उसके बाद बेगूसराय में भी लगातार बढ़, क्या आगे अभियान निकाला गया? देखिए, सावधानी ही बचाव है और इस सावधानी के लिए हमने ये कार्यक्रम को किया है। आप देख रहे हैं कि आज कम से कम एक दिन में 24,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पूरे देश को मिला है और ये जो तादाद बढ़ रहा है ये हम लोगों के फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो हम लोगों के वजह से असावधानी बढ़ी है और हम लोग जो असावधान हुए हैं उस वजह से ये बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है कि हमने जनता को जागरूक करने के लिए इस कार्य को किया है। रोको और टोको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि जो मास्क नहीं लगाते हैं, जो सज्जन असावधानी कर रहे हैं, उन सज्जन को समझाने के लिए रोकना है और टोकना है। आप मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ के निमंत्रण विनम्र प्रार्थना है कि आप सावधान रहें, कोरोना रूपी महामारी से बचे और इसको मिटाने में, इस चेन को तोड़ने में और लॉकडाउन का पालन करें, स्वच्छ रहें, सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।